नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। ओखला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आसिफ मोहम्मद खान पर पुलिस से बदतमीजी का आरोप लगा है। इसको लेकर पुलिस ने 186 और 253 का मामला दर्ज कर लिया है और रात बताया जा रहा है कि मामले को लेकर ही विधायक जो है गिरफ्तार किए गए हैं। और फिलहाल हमारे संवाददाता सैयद मुश्किल हम मौके पर मौजूद है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को देर रात दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके ऊपर 186-353 का कल शाम को मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया वो इतना ज्यादा ऑफेंसिव नहीं, जिसको लेकर इस तरीके की गिरफ्तारी की गई हो। रात 3 बजे से 4 बजे के बीच में आसिफ मोहम्मद खान के घर पर 30 से 40 पुलिस वाले पहुंचे और उनको गिरफ्तार करके लेकर आ गया। परिवार वालों का आरोप है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई उसमें ना ही कोई वारंट दिखाया गया, ना ही कोई नोटिस दिया गया और किसी तरीके से कोई भी ऐसी पूर्व सूचना नहीं दी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने देर रात महिलाओं के साथ हत्या किया और उसके बाद आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर गया। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद है शाहीनबाग थाने में। यहाँ पर आप देखेंगे चाहे दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा हो, स्पेशल सीपी हुड्डा जी हो या फिर जॉइंट सीपी मीनू चौधरी, डीसीपी साउथ ईस्ट ऐशा पांडे समेत जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो सभी इस वक्त थाने में मौजूद हैं। हालांकि माहौल चुनाव का है और उस चुनाव को लेकर यहाँ पर सरगर्मी आती है, जिसको लेकर वाद और विवाद आरोप प्रत्यारोप लगातार लगे आ रहे हैं। मामला तूल कल शुक्रवार की नमाज को लेकर हुआ, जिसमें कहा गया कि तैयब मस्जिद पर पार्षद वाजिद खान ने इमाम को 50,000 रुपए दिए और इस वजह से उसमें मस्जिद के अंदर वोट की अपील की गई, जिससे नाराज होकर जो विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो दूसरे राजनीतिक दल हो, वो पहुंचे, उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे, जिसको लेकर आसिफ की पुलिस वालों से बहस हुई, जिसके बाद आसिफ मोहम्मद खान पर मुकदमा दर्ज किया गया और देर रात उनकी गिरफ्तारी की गई। इस वक्त आला अधिकारी शाहीनबाग थाने में मौजूद है और इस बात की चर्चा यहाँ पर माहौल थोड़ा सा गर्म है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई वह क्या एक हार्डकोर क्रिमिनल की गिरफ्तारी जिस तरीके से होती है उस तरीके से की गई, जो परिवार वालों का सीधे तौर पर आरोप हुआ। फिलहाल मंथन का दौर जारी है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा कुछ देर में स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। वसीम अकरम के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो आपको बता दें कि इसको लेकर बवाल लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार करने के बाद उनके घर पहुंची और आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद अब बवाल बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस ने घर पर दबिश देकर आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि आसिफ के परिवार वालों का सीधे तौर पर आरोप है कि पुलिस ने बिना वारंट और बिना किसी सूचना के बगैर ही पूर्व विधायक को जबरदस्ती घर में घुसकर गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही साथ बताया गया है कि महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का भी परिजनों ने साफ तौर पर आरोप लगा दिया है। तो नई दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बदतमीजी करने का सब इंस्पेक्टर से आरोप लगा है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि आसिफ मोहम्मद खान को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। ओखला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को देर रात ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आसिफ मोहम्मद खान पर पुलिस से बदतमीजी करने का भी आरोप लगा है और इसके साथ ही बता दें कि मामला दर्ज करने के बाद आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया और उनके घर पुलिस पहुंची और आसिफ मोहम्मद खान को घर से गिरफ्तार किया गया। तो फिलहाल आपको बता दें पूरे मामले पर हमारे संवाददाता सैयद मुश्किल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या है पूरा मामला और खास रिपोर्ट इसमें बताइए। बिल्कुल सुमन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल शुक्रवार का दिन था और शुक्रवार की नमाज मस्जिद में जिस तरीके से होती है, मामला जहां से स्टार्ट हुआ मैं आपको थोड़ा सा तफसील में चीज बताना चाहूंगा। यहां पर मस्जिद के अंदर, जो तैयब मस्जिद है सिर्फ ब्लॉक के अंदर, वहां पर इमाम साहब के हाथ में 50,000 रुपए रखे गए। वो 50,000 रुपए इस बात के लिए थे कि जो मस्जिद कमेटी है वो एक फ्लैट खरीदना चाह रही थी इमाम के लिए, जो उनके रहने के लिए जगह खरीदने के लिए था। तो इसका चंदा पिछले काफी महीनों से चल रहा था, जो लोकल लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो चंदा करके इस तरीके से मस्जिद कमेटी को देते हैं और उस तरीके के खर्च, जो मस्जिद के जो खर्च है उससे चलता है। लेकिन मामला कोर्ट का पलट जाता है जब वालिद खान ने मस्जिद के अंदर पैसे दिए और उसके बाद एक व्यक्ति जो सईद बताया जा रहा है, जो कमेटी का मेंबर है, उसने खड़े होकर इमाम साहब से माइक लिया और खड़े होकर ये कहा कि वाजिद साहब ने 1,00,000 रुपए दिए हैं, आप सभी लोग वाजिद को जो है झाड़ू पर मोहर लगाइए, चुनाव में वोट दीजिएगा।
इसके बाद मस्जिद के अंदर बैठे लोगों ने थोड़ा सी नाराजगी हुई कि आखिरकार मस्जिद एक वर्शिप प्लेस है, एक पूजा अर्चना करने की जगह है, इबादत की जगह है, वहां पर इस तरीके की राजनीतिक चीजें क्यों हो रही है, उस पर विरोध प्रदर्शन हुआ। आसिफ मोहम्मद खान को जब इस बारे में पता चला तो वो अपने दल बल के साथ वहां पर मस्जिद पर आए तकरीबन 4 बजे के आसपास। ये मामला पूरा 1 से 1.5 बजे के आसपास का है, 4 बजे के आसपास वो आते हैं और यहाँ इस चीज को लेकर कहते हैं कि आखिरकार मस्जिद को इन सब चीजों में क्यों लिप्त किया गया, क्यों शामिल किया जा रहा है, उन सब चीजों को लेकर वहां पर गहमा गहमी हुई। पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस से भी हॉट टॉक होती है और पुलिस की तरफ से जो FIR दर्ज है वो 186/353 के तौर IPC के दर्ज है, जिसमें सरकारी काम में बाधा डालने का और कई चीजें का जिक्र किया गया है कि पुलिस पेट्रोलिंग पर थी और वहां पर जो है उन्होंने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की है, जिसको लेकर मामला दर्ज है। रात 3 से 4 बजे के बीच में आसिफ मोहम्मद खान के घर जो कालिंदी कुंज के सामने मेन रोड पर है, वहां पर 60-70 पुलिस वाले पहुंचते हैं बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया जाता है, उठाया जाता है। उनके परिवार वालों का सीधे तौर पर आरोप है और कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रही है वार्ड नंबर 188 से, मतलब अबुल फजल का जो चुनाव लड़ रही है वो कैंडिडेट भी है उनके, और आसिफ मोहम्मद खान पूर्व पार्षद भी है और पूर्व विधायक भी है यहाँ पर। तो ये पूरा मामला हुआ जिसको लेकर बवाल बढ़ा जब आसिफ की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से रात से यहाँ पर माहौल जो है वो थोड़ा सा गर्म हो रखा है इस चीज को लेकर कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी में पुलिस ने FIR कर दी, जबकि आसिफ मोहम्मद खान की तरफ से FIR के कंप्लेन पुलिस थाने में दी गई, जिसकी सिर्फ DD एंट्री करके उनको एप्लीकेशन वापस दे दी गई उनकी कंप्लेन, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग में आसिफ मोहम्मद खान की तरफ से भी कंप्लेन दी गई है। आज खबर यह है कि जो कांग्रेस के आला नेता है वो चुनाव आयोग में जाकर इस बात के तरीके के खरीद फरोख वोटों के खरीद फरोख की बात हो रही है, इस तरीके से उसका संज्ञान लिया जाए और उससे उचित कार्रवाई की जाए। हालांकि फिलहाल 3 से 4 बजे के बीच में जब आसिफ मोहम्मद खान को उठाया गया उसके बाद से पुलिस ने उनको कहां रखा है अभी तक किसी को कोई सूचना नहीं है। अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि इलाके को शाहीनबाग पुलिस स्टेशन पर हूँ, यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी है, यहाँ तक कि पहली बार ऐसा हुआ है, सुमन मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद इस तरीके के चुनाव में इस तरीके की घटनाएं होती हैं, अमूमन दिल्ली पुलिस कमिश्नर बहुत कमी के साथ देखा गया, लेकिन एक्टिवनेस इस बात को लेकर है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की कि वो खुद शाहीनबाग गए थे कुछ देर पहले यहाँ से निकले हैं, उसके बाद यहाँ पर स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर सेकंड जो जोन है सागर प्रीत हुड्डा वो मौजूद है, ज्वाइंट CP मीनू चौधरी साउथर्न रेंज की ज्वाइंट CP है वो भी मौजूद है, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की DCP ईशा पांडे वो भी मौजूद है, जितने बड़े अधिकारी हैं इस वक्त शाहीनबाग में मौजूद है इस बात को लेकर की गहन चिंतन इस मामले को और पकड़ा जाए, इसको लेकर पूरा अगर किया गया। दूसरी तरफ सुरक्षा की बात करें हम तो सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, आप दिखा दें आप डिप्लॉय किए और जो इलाके का पूरा आउटर एरिया है उस पर जगह जगह पर यहाँ पूरी तरीके से लोगों को पैरामिलिट्री फोर्सेज हो दिल्ली पुलिस के जवान हो उन सभी को डिप्लॉय किया गया हुआ है। तो फिलहाल अभी माहौल थोड़ा सा टेंस जरूर इस वक्त बना हुआ है। सुमन जी सैयद आगे की क्या कार्रवाई रह सकती है इसको लेकर पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल सुमन देखिए अभी आज सुबह बताया जा रहा है कि मेडिकल कराया गया आसिफ मोहम्मद खान का, उसके बाद कोर्ट में कितने बजे पेश करना है फिलहाल इसकी जानकारी अभी दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज ही दिल्ली पुलिस आसिफ मोहम्मद खान को कोर्ट जो है भेजेगी या दिल्ली पुलिस को रिमांड मिलती है रिमांड की मांग करती है दिल्ली पुलिस या फिर जुडिशियल कस्टडी में। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर देखिए जो स्पेशल CP है ये विजुअल्स आप डायरेक्ट देख रहे हैं, स्पेशल CP DCP ये अभी यहाँ से निकल रहे हैं सागर प्रीत हुड्डा, हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात की जाए, और ज्वाइंट CP मीनू चौधरी पड़ी है, दूसरी तरफ DCP साउथ ईस्ट ईशा पांडे यहाँ मौजूद है, ये शाहीनबाग थाने से ज्वाइंट स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर जोन सेकंड निकल रहे हैं, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एक बार बात हो सके इनसे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है पूरे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद है, उन्होंने पूरी तरीके से अपने सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो पूरा इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है किस तरीके से चीजें हैं, एक बार कोशिश करते हैं आप देखें सागर प्रीत हुड्डा जो स्पेशल CP है उनके उनसे बात करने की एक बार कोशिश करते हैं कि अगर वो बात करते सर कुछ बात देखिए बिना किसी पूछ सूचना के बाजी फाइल किए हुए तो रिएक्शन दे रहे हैं कि आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे भी इस वक्त निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर इस वक्त ज्वाइंट CP भी निकल रही है यहाँ से जी कोशिश करते हैं एक बार की बात की जाए ज्वाइंट CP से। मैडम मैडम कोई रिएक्शन इस पे क्या अभी तक कार्रवाई हुई मैम
लेकिन अभी तक जिस तरीके से कार्रवाई पुलिस की गई है उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिना सूचना के आपने इस तरीके से गिरफ्तार किया, बिना वारंट के गिरफ्तार किया, मामला एक दर्ज होने के बाद आपने इतनी जल्दी में दिल्ली पुलिस के जो मामला दर्ज हुआ है मोहम्मद खान पे, वो शाहीनबाग थाने के इंस्पेक्टर एक अक्षय है उनके कंप्लेंट पर दर्ज हुआ है जिसके बाद आसिम मोहम्मद खान की गिरफ्तारी हुई है। डीसीपी का उसकी गाड़ी है और यहाँ पर रिएक्शन अभी तक का अपडेट जो भी है ये आप देख रहे हैं डीसीपी साउथ ईशा पांडे हैं इस वक्त यहाँ पर। मैम एक रिएक्शन अभी तक का अपडेट मैम क्या है? आप देख रहे हैं अभी इस वक्त सभी ऑफिशियल्स जो है वो धीरे धीरे यहाँ से निकल गए बिना कुछ बोले बिना कुछ किए हुए। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन फिलहाल यहाँ पे नहीं दिया गया है और यहाँ डीसीपी साउथ ईस्ट ईशा पांडे भी यहाँ से निकल चुकी हैं, मतलब मंथन का और चिंतन का जो दौर था वो खत्म हो चुका है। लेकिन क्या कुछ अभी ऑफिशियल है किसी ने कोई भी बोलने की जरा सी भी इसमें आगत नहीं समझी और ना ही कुछ बोला गया है यहाँ से। ये आप देखेंगे शाहीनबाग थाने का यहाँ पर जो है पूरे ऑफिशियल जो थे वो यहाँ मौजूद है और यहाँ खास तौर पर इस चीज को लेकर एक कयास लगाया जाता है कि शायद कोई रिएक्शन था ऑफिशियल की कब कोर्ट में पेश किया जाएगा कब किया जाएगा, लेकिन उसके बिना ही कुछ यहाँ पर किए हुए सारे जितने भी अधिकारी थे बड़े वो यहाँ फिलहाल निकल गए हैं। सुमन जी सैयद जिस तरह से यहाँ पे रिएक्शन भी नहीं दी जा रही, कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आ पा रही है और इसी के साथ ही जो आरोप लगे वो भी गंभीर आरोप लगे हैं, वहीं पर माहौल भी गर्म नजर आ रहा है सैयद। बिल्कुल बिल्कुल सुमन ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके के आरोप है वो बहुत काफी गंभीर है, चाहे वो पुलिस प्रशासन से हो या फिर आसिम मोहम्मद खान को लेकर कहा जाए जिस तरीके से यहाँ पर मामला आया। आरोप स्थानीय लोगों का यह है कि जो आसिफ मोहम्मद खान ने जो कंप्लेंट दी उनको सिर्फ कंप्लेंट एक लेकर रिसीविंग देकर छोड़ दिया गया, उस पर कोई एफआईआर नहीं हुई है फिलहाल। लेकिन दिल्ली पुलिस के एक ऑफिशियल एक इंस्पेक्टर ने जो कंप्लेंट दी उस पर तुरंत एफआईआर भी हो जाती है और तुरंत गिरफ्तारी भी हो जाती है रात के 3 बजे के आसपास गिरफ्तारी, जैसे किसी एक बड़े क्रिमिनल की। आपने किसी तरीके से कोई भी लिहाज उस चीज का नहीं रखा कि आपने एक पूर्व विधायक को इस तरीके से आप देर रात उसके घर में घुसकर आप उसको उठा के लेके आए। जी जी जिस तरह से यहाँ पे प्रशासन है वो भी सख्त नजर आना चाहिए क्योंकि माहौल और ज्यादा गर्म हो जाएगा सैयद। अब अगर डीडी एंट्री करके उसके अभी तक एफआईआर बिल्कुल नहीं की, लेकिन पुलिस के एक अधिकारी एक सब इंस्पेक्टर जो कंप्लेंट दी उस पर क्विक एक्शन लिया जाता है और तुरंत एफआईआर करके रात के 3 से 4 बजे के बीच में घर पे जाकर धावा बोला जाता है और उस वाले आसिम मोहम्मद खान को उठाकर लेकर चले आते हैं। तो क्या वजह रही, क्या ये राजनीतिक द्वेष में आके इस तरीके की चीजें हो रही है? एक पार्ट का आपने एफआईआर तक नहीं दर्ज की और दूसरे आपके ऑफिशियल्स के साथ जो प्रतिनिधि हुई है भटका हुआ उसको लेकर आपने तुरंत एफआईआर भी की और उसके बाद जो है तुरंत आपने उसकी गिरफ्तारी भी कर ली, क्योंकि जबकि इतना संगीत मामले में कुछ आशु खान स्थानीय नेता यहाँ मौजूदा मिलते हैं। आशु क्या रहा अभी तक किस चीज के लिए? इस गिरफ्तारी को क्या मानते हैं आप, किस तरह से गिरफ्तार किया गया? देखिए आपकी कंस्टिट्यूएंसी है, जिस तरीके से मस्जिद में लेन देन की बात हुई जो चीजें निकल कर सामने आई उसके बाद आप सभी लोगों ने कंप्लेंट भी, गिरफ्तारी को क्या समझा? यहाँ के काउंसलर ओखला विहार में लेन देन कर रहे हैं, इतना पैसा जो पैसे लोगों को दे रहे हैं ना ये कोड़ा उठाने में पैसे लगा देते, इतनी इनको पैसे देना नहीं पड़ते आवाम को। इस टाइम बुरी हालत है, कोई लड़ाने वाला नहीं है, एंटी वाजिद इलेक्शन है, इसलिए वो सबको पैसे दे खरीदना चाहते हैं। जनता को मालूम है, मैंने कह दिया, मैंने जनता से कह दिया पैसे लो वोट अशोक खान को दो। और जितनी जनता आम पार्टी या कांग्रेस के साथ लोग कार्यालय में बैठे हुए सबने मुझसे वादा करा अशोक भाई हमें पैसे कमाने दो वोट आपको देंगे। सियासत अपनी अलग है, मैं उसके 3 बजे के घर में कुछ इस तरीके से उठा देना ये चीज गलत है। ये चीज जिस हिसाब से अभी मुझे पूरी डिटेल नहीं मालूम क्या है, मगर इतना बड़ा मामला नहीं था, इलेक्शन था, पुलिस अवॉइड कर सकती थी, मगर ये क्या है क्यों हुआ पूरी में ओखला का स्थानीय नेता है आशु खान जिनका सीधा तौर पर है कि इलाके का माहौल जो है वो बिगाड़ने की कोशिश एक तरीके से की जा रही है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और
काफी लोगों की नजर इस इलाके में होती है, चाहे वार्ड नंबर 188 हो, क्योंकि यहाँ से विधायक अमानतुल्ला खान है। इस जो है विधानसभा में 5 वार्ड आते हैं, वो उसका लेकर कहीं ना कहीं पूरा मामला गरमाने की कोशिश जरूर कह सकते। जी सैयद, आप लगातार बने रहे करते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता, इसके लिए तप और त्याग की भी जरूरत होती है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी की अगुवाई में जारी भारत जोड़ो यात्रा को एक खोखली यात्रा भी बताया है। और बता दें राहुल गांधी की बढ़ी हुई दाढ़ी की इन दिनों खासी चर्चा देखने को मिल रही है, और हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने उनके इस लुक को लेकर कहा था कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा दिखाई नहीं देना चाहिए। और इसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में ही धामी ने व्यंग करते हुए कहा कि दाढ़ी बढ़ाने से कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता, नरेंद्र मोदी बनने के लिए जीवन में अनुशासन, त्याग और कर्म चाहिए। और सीएम धामी ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी बनने के लिए सवे को तपाना पड़ता है और सवे को लगाना पड़ता है, और जीवन में वो संकल्प चाहिए होता है, और देश और जनता की देश सेवा में ही एक एक पल अर्पण करना हो, और जो नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि हर आरामदायक जीवन जीने वाला व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। राहुल गांधी की बढ़ी हुई दाढ़ी को लेकर ही बीजेपी नेताओं द्वारा तंज कसे जाने पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने शुक्रवार को केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी पर पलटवार किया। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी की दाढ़ी की बजाय आम आदमी की गाड़ी की चिंता करनी चाहिए। प्रसिद्ध गीतकार, कवि, लेखक और सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी को उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और प्रसून जोशी के ब्रांड बनाए जाने को लेकर ही राज्यपाल को मंजूरी भी दे दी गई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सचिव हरीश चंद्र सेमवाल ने बीते शुक्रवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया, और इससे पहले धामी सरकार ने प्रसून जोशी को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। आपको बता दें कि गीतकार प्रसून जोशी को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने को लेकर प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, और इसी प्रस्ताव पर सचिव ही संस्कृति हरीश चंद्र सेमवाल ने आदेश जारी कर दिया, और सचिव संस्कृति हरीश चंद्र सेमवाल ने महानिदेशक संस्कृति को भेजे पत्र में साफ साफ निर्देश दिए कि पद्मश्री प्रसून जोशी के साथ जल्द से जल्द समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की कार्रवाई सुनिश्चित करें, और साथ ही इस बारे में शासन को अवगत भी कराए। बता दें आपको कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने बीते दिनों ही प्रसून जोशी पर को लेकर ही उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया था, और ये पुरस्कार उन्हें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर को दिया गया था। और प्रसून जोशी का उत्तराखंड से गहरा नाता है, और प्रसून जोशी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ही दन्या गांव में 16 सितंबर 1968 को हुआ था, और प्रसून जोशी के पिता का नाम देवेंद्र कुमार जोशी और माँ का नाम सुषमा जोशी है। ऋषिकेश एम्स में आने वाले मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए तमाम मेडिकल स्टोर खुल चुके हैं, और इन मेडिकल स्टोर के अंदर मानकों का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने शिकायत मिलने के बाद औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान 4 मेडिकल स्टोर मानकों का पालन नहीं करते हुए पकड़े गए, जिन्हें ड्रग्स इंस्पेक्टर ने तत्काल नोटिस देते हुए बंद करा दिया है। चेतावनी दी है कि अग्रिम आदेश तक यदि मेडिकल खोलने की कोशिश की गई तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। वहीं एक मेडिकल स्टोर संचालक कमियां मिलने के बावजूद दुकान पर ताला लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ, और ड्रग्स इंस्पेक्टर के साथ बहसबाजी भी करने पर उतर गया। हालांकि मौके पर पुलिस भी मौजूद रही, और ऐसे में ड्रग इंस्पेक्टर ने कोतवाली पहुंचकर मेडिकल स्टोर संचालक की शिकायत पुलिस से की है, और आपको बता दें कि पुलिस जांच का जो दावा है वो भी कर रही है, और इसके साथ ही जांच भी शुरू कर दी है, जल्द ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पे अलग अलग कमियां हैं,
बट मेन कॉमन ये है कि किसी ने भी नारकोटिक का एनडीपीएस का रजिस्टर नहीं बनाया, उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन नहीं करा गया है, और जो किसी दुकान पे फार्मासिस्ट नहीं था, कुछ दुकानों के एड्रेस कहीं और के हैं, दुकानें कहीं और खुली हुई हैं, तो उसी को चाहे इन सब पे कार्रवाई की। सर ये भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी? हाँ, ये कार्रवाई बिल्कुल बिल्कुल भविष्य में जारी रहेंगी, और जहाँ भी जो भी गलत हो बिल्कुल रोका जाएगा। देखिए, ये आज औषधि विभाग की एक टीम आई थी जिसमें ड्रग कंट्रोलर और ड्रग्स इंस्पेक्टर थे, जिनके द्वारा कुछ मेडिकल स्टोर को चेक किया गया। ऐसी जानकारी में आया कि एक मेडिकल स्टोर स्वामी द्वारा अपेक्षित सहयोग न करते हुए इनके कार्य में बाधा डाली है, जिसके संबंध में होते तो वे पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इंद्रमणि, बरडोनी चौक के पास एक होटल में किंग कोबरा सांप घुस गया, और सांप को देख होटल में अफरा तफरी मच गई, और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इंद्रमणि बरडोनी चौक के निकट ही फॉरेस्ट व्यू होटल में लोगों ने एक सांप को देखा, और सांप को देखते ही होटल में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते सांप ने फन फैलाना शुरू कर दिया, और लोगों ने सूचना देकर वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया। वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया है। वन कर्मचारी कमल राजपूत ने बताया है कि सांप किंग कोबरा है, और वैसे तो ये ठंडे इलाके में पाया जाता है, मगर यह होटल में ही कैसे पहुंचा ये जांच का विषय है। फिलहाल सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया है। गनीमत रही कि सांप ने किसी को काटा नहीं, और जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों समेत कई राजनीतिक संगठनों से जुड़े नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया है। वहीं अंकिता भंडारी को जल्द से जल्द न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की गई है, और इस दौरान ही SIT की जाँच पर भी लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोपियों के नार्को टेस्ट और इसके साथ ही CBI जाँच की भी मांग की है। पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी पौड़ी ने किसी तरह आक्रोशित लोगों को समझाया, और शासन स्तर पर ठोस कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। शांतिपूर्वक जो ज्ञापन मुझे दिया गया और उसमें जो मांगे हैं उन्हें हम विभिन्न पटलों पर जो भेजी जा रही है उसे भेजा जा रहा है, और इसके साथ ही उनके साथ में एक सकारात्मक चर्चा भी की गई है। उस चर्चा में विमेन सेफ्टी को लेकर जो भी इम्प्रूवमेंट किए जाने उस पर बातचीत हुई, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ महिला सुरक्षा से संबंधित या महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो भी सकारात्मक कार्य किए जाने वो हम लोग करेंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर खेती कर रहे किसानों के बीच अक्सर सीमा विवाद चलता रहता है, और कई बार दोनों प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता हो चुकी है। कई बार समझौते भी हुए, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया, और इस बार जब उत्तराखंड के किसानों ने अपनी गन्ने की फसल की कटाई शुरू की तो उत्तर प्रदेश के किसानों ने उसे रोक दिया, और एक बार फिर सीमा विवाद उलझ गया। आपको बता दें कि खानपुर विधायक के सामने किसानों ने पूरे मामले को रखा। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने सीमा विवाद के मामले को लेकर ही उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के जिला अधिकारी से मुलाकात की, और साथ ही उन्होंने बिजनौर के ही सदर विधायक से भी मुलाकात की, और दोनों पक्षों के बीच बैठकर बातचीत हुई है, और मामले को एक बार फिर नई दिशा दी गई है। खानपुर विधायक के प्रयास से जिलाधिकारी बिजनौर ने उत्तराखंड के किसानों को गन्ना काटने की अनुमति प्रदान कर दी है, और साथ ही दोनों पक्षों के बीच मार्च 2023 में दोनों प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच ही बैठक का समय तय कर दिया गया, और कहा गया कि मार्च 2023 में मामले को पूरी तरह से सुलझा लिया जाएगा। जो आज हमारे जनपद हरिद्वार के किसान थे खादक क्षेत्र के, उनके जो फसल कल कुछ लोग यहाँ प्रशासन के द्वारा काटने गए थे, आज हमारे माननीय विधायक जी और हम सब लोग यहाँ DM बिजनौर पहुँचे और बैठकर के वार्ता हुआ। वार्ता में ये बातें हुई हैं कि मार्च के महीने में दोनों प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी और लोग दोनों सीमांकन तय करेंगे, और जिसकी ज़मीन जहाँ होगी वो उसको दी जाएगी, लेकिन जो गन्ना हमारा खड़ा है उधर का वो सब लोग हमारे किसान काटेंगे। और इसमें विधायक जी का उमेश जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो ये समझौता हुआ है, और हम सभी किसान इनका धन्यवाद अदा करते हैं।
दोनों राज्यों की सीमा का विवाद है और 2008 में इसमें लिखित में फैसला हुआ था कि भाई जब इसका डिमार्केशन हो जाएगा तब तक ये लोग आपस में जहाँ जो है वो वहाँ बना रहेगा। लेकिन अभी कल जो है स्थानीय विधायक के हस्तक्षेप के बाद, क्योंकि हस्तक्षेप तो कल हुआ लेकिन ये उससे पहले ही बिजनौर प्रशासन एक कार्रवाई कर चुका था, हमारे क्षेत्र का गन्ना जो है लगभग 19 लाख में ऑक्शन कर चुका था। माननीय विधायक जी जो हमारे साथ में आए हैं, विधायक जी ने जो समझौता हमारा करा हमारे बीच में यहाँ के विधायक जी के सदर के, अब जो मार्च में हमारा समझौता हो जाएगा दोनों जिलों के, बिजनौर हरिद्वार का भी, दोनों स्टेट के प्रशासन लगाया जाए और हमारा जो मार्च में इसका सोल्यूशन हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।